अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा 2021 की गर्मियों में तालिबान रूसी संघ में प्रतिबंधित तालिबान आंदोलन द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रामक की पृष्ठभूमि के खिलाफ अफगान प्रांत पंजशीर में प्रतिरोध टुकड़ियों का गठन किया गया था, जो मुख्य रूप से ताजिकों द्वारा आबाद थे। काबुल के पतन के बाद प्रांत अफगानिस्तान का एकमात्र क्षेत्र बना रहा जिसने नए अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। पंजशीर ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की। वहां एक सैन्य राजनीतिक ब्लॉक बनाया गया था जिसे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान FNS कहा जाता है। न्यू एसोसिएशन के बयान के अनुसार नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट सामाजिक न्याय, समानता, राजनीतिक और सांस्कृतिक बहुलवाद स्थापित करने, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा करने, तर्कसंगत इस्लाम को पुनर्जीवित करने और अफगानिस्तान में लोकतंत्र को संरक्षित करने का प्रयास करता है। उद्धरण चिन्ह। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं है कि पंजशीर कंठ प्रतिरोध का गढ़ बन गया है। 80 के दशक में अहमद शाह मसूद की कमान के तहत बलों ने इसमें सोवियत सैनिकों का विरोध किया, 90 के दशक में तालिबान। अब प्रतिरोध का नेतृत्व उत्तरी गठबंधन के महान कमांडर और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक अहमद शाह मसूद के इकलौते बेटे अहमद मसूद जूनियर ने किया है। उनका जन्म 1989 में उत्तरी प्रांत ताख में हुआ था। 12 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, जो आत्मघाती हमले का शिकार हो गया। उन्होंने ईरान के हाई स्कूल से स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने यूके में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने सैंडहर्स्ट किंग्स कॉलेज लंदन में रॉयल मिलिट्री अकादमी में अध्ययन किया और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 2016 में वो अफगानिस्तान लौट आया। उन्होंने 2019 से अपेक्षाकृत हाल ही में राजनीति में शामिल होना शुरू किया। तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद मसूद ने सभी अफगानों को पंजशीर में तालिबान विरोधी प्रतिरोध में शामिल होने का आह्वान किया। यह उल्लेखनीय है कि सोशल नेटवर्क पर प्रकाशित फुटेज में उनके समर्थकों ने उन्हें अमीर साहिब के रूप में संबोधित किया, जैसा कि उन्होंने पहले अपने पिता को संबोधित किया था। तालिबान के काबुल में प्रवेश करने के कुछ समय बाद वाशिंगटन पोस्ट के अमेरिकी संस्करण ने मसूद से एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों से प्रतिरोध का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने तालिबान के साथ अपने पिता के संघर्ष को याद किया और अपने काम को जारी रखने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की। इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के नियंत्रण में अफगानिस्तान कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के उपकेंद्र में बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसी समय राजनेता अफगानिस्तान में सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। हमें विश्वास है कि राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली का विकेंद्रीकरण आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इस मॉडल के साथ सभी समुदाय अपने स्थानीय नेताओं को चुनने में सक्षम होंगे, जो लोगों के लिए जिम्मेदार होंगे। लोगों को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पाठ्यक्रम को आकार देने में सक्रिय भाग लेने का अवसर भी मिलेगा, उन्होंने अपने एक ऑडियो संदेश में कहा। पंजशीर में प्रतिरोध अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह द्वारा भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अशरफ गनी की उड़ान के बाद खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। फिलहाल उनके ठिकाने अज्ञात हैं, लेकिन मीडिया ने बार बार बताया है कि वह तजिकिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पहले हफ्तों में पंजशीर और तालिबान ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वार्ता विफल रही। सितंबर की शुरुआत में तालिबान ने पंजशीर पर एक बड़ा हमला किया। वार्ता फिर से शुरू करने और हमलों को रोकने के लिए संघीय कर सेवा के आह्वान के बावजूद तालिबान ने अपना आक्रामक जारी रखा। 6 सितंबर को उन्होंने पूरे प्रांत पर नियंत्रण स्थापित करने की घोषणा की। इसी समय यह बताया गया कि पंजशीर में ऑपरेशन के दौरान तालिबान को पाकिस्तानी विशेष बलों और UAV द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अहमद मसूद ने कंठ में लड़ाई में विदेशी ताकतों की भागीदारी की भी घोषणा की। हालांकि इस्लामाबाद ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके बाद तालिबान विरोधी प्रतिरोध के समर्थन में और पाकिस्तान के खिलाफ सहज कार्रवाई अफगानिस्तान के कई प्रमुख शहरों में हुई। पंजशीर के कब्जे के बाद जातीय सफाई और स्थानीय निवासियों के जबरन स्थानांतरण की खबरें प्रांत से आने लगीं। लगभग एक महीने पहले पंजशीर में तालिबान खुफिया के प्रमुख मुल्ला उर्फ मीर ने स्वीकार किया कि तालिबान अपने लोगों को नियंत्रित नहीं करता है और वे प्रांत के निवासियों के खिलाफ फटकार लगाते हैं। पंजशीर के पूर्ण कब्जे के बारे में तालिबान के बयानों के बावजूद फेडरल टैक्स सर्विस का दावा है कि आधे से अधिक क्षेत्र इसके नियंत्रण में है। हेरिटेज फाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने मुख्य घाटी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि साइड घाटियों, जो प्रांत के क्षेत्र का लगभग 60% है, अभी भी प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पंजशीर में लड़ाई के सक्रिय चरण के समय संघीय कर सेवा के सेनानियों की संख्या लगभग 10,000 थी, जिसमें पूर्व अफगान सैनिक भी शामिल थे जो सरकार के पतन के बाद प्रतिरोध में शामिल हो गए थे। उनके सैन्य उपकरणों का स्तर अज्ञात है। फेडरल टैक्स सर्विस के अनुसार फिलहाल प्रतिरोध गुरिल्ला युद्ध की रणनीति पर स्विच कर रहा है। परवान, कपिसा, बागलान, बल्क और बदक्षन के प्रांतों में मोर्चे के समर्थक भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए हैं। इस बीच हेरिटेज फाउंडेशन के एक प्रमुख विश्लेषक ल्यूक कॉफी ने कई मुख्य सामरिक कार्यों की पहचान की है, जो संघीय कर सेवा एक निरंतरता युद्ध की स्थिति में सामना कर सकती है। वसंत में तालिबान से लड़ने के लिए बेहतर तैयार होने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सर्दियों के महीनों का उपयोग करें। देश के उत्तर में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से बदक्षन, ताखर और बल्क के प्रांतों में मुख्य रूप से जातीय ताजिकों द्वारा बसे हुए हैं।
इन प्रांतों पर नियंत्रण तजिकिस्तान और बाहरी दुनिया के साथ एक महत्वपूर्ण भूमि पुल बनाने में मदद करेगा, विशेषज्ञ जोर देते हैं। मुख्य घाटी का नियंत्रण हासिल। सलंग टनल और बगराम एयरबेस जैसी रणनीतिक सुविधाओं पर नियंत्रण रखें। यह संभावना नहीं है कि संघीय कर सेवा के पास वर्तमान में इसके लिए मानव संसाधन और सैनिक क्षमता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह लक्ष्य है। पंचीर घाटी सलंग सुरंग के पास स्थित है, जिसके माध्यम से मुख्य मार्ग हिंदू कुश पहाड़ों से होकर गुजरता है, जो उत्तरी अफगानिस्तान को दक्षिण से जोड़ता है। बगराम हवाई क्षेत्र पर कब्जा प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करेगा। यह प्रतीकात्मक है क्योंकि बगराम दो दशकों से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियानों का केंद्र रहा है। व्यावहारिक रूप से बगराम बाहरी दुनिया के साथ हवाई संचार के साथ संघीय कर सेवा प्रदान करेगा, कॉफी ने कहा। वर्तमान में प्रतिरोध मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को सूचीबद्ध करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में फेडरल टैक्स सर्विस के आधिकारिक प्रतिनिधि अली मायसम नजारी ने घोषणा की कि उन्हें वाशिंगटन में एक कार्यालय खोलने की अनुमति मिली है और दुनिया भर में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के अपने इरादे की घोषणा की है। उन्होंने इस जानकारी से भी इनकार किया कि अहमद मसूद तजिकिस्तान में है, यह देखते हुए कि संघीय कर सेवा के नेता कभी कभी अन्य राज्यों का दौरा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश संघीय कर सेवा का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और कैसे। मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बार बार मदद की अपील की है, जिसमें रूस की भूमिका का उल्लेख भी शामिल है, जो उनके अनुसार एक समावेशी सरकार की स्थापना में मदद कर सकता है। और यह उनके हित में है, क्योंकि अगर यहां चरमपंथी विचारधारा पेश की जाती है तो यह पूरे मध्य एशिया में भड़क जाएगी, उन्होंने कहा। हालांकि मध्य एशियाई गणराज्यों में केवल तजिकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक अपूरणीय स्थिति लेता है। आरटी के अध्यक्ष मोमेली रहमोन ने अफगान ताजिकों के लिए बार बार समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि विशेषज्ञ समुदाय में एक राय है कि वह तजिकिस्तान में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। पिछले हफ्ते रूसी विदेश मंत्रालय ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए संघीय कर सेवा की तत्परता के बारे में रिपोर्टों पर टिप्पणी करते हुए जोर देकर कहा कि इस स्तर पर देश की विभिन्न जातीय राजनीतिक ताकतों को एक अंतर अफगान संघर्ष को भड़काने वाले कार्यों से बचना चाहिए और हमें आपसी समझ और राष्ट्रीय सामंजस्य के तरीकों की तलाश करनी। संघीय कर सेवा के भविष्य के भाग्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। बहुत कुछ स्थिति के विकास पर निर्भर करेगा। मोर्चे के नेता समय समय पर संघर्ष की निरंतरता के बारे में बयान देते हैं, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि एकमात्र कारक जो तालिबान विरोधी मोर्चे के पक्ष में स्थिति को बदल सकता है वह तालिबान के साथ आबादी का बढ़ता असंतोष होगा। तालिबान के आरोपों के जवाब में हामिद करजई ने अफगानिस्तान की एकता को कमजोर नहीं करने का आग्रह किया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अपने संबोधन में तालिबान रूसी संघ में तालिबान आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है के आरोपों पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं माना, राजनेता की प्रेस सेवा ने बताया। उसी समय टिप्पणी नोट करती है कि करजई आंदोलन को देश की एकता को कमजोर नहीं करने के लिए कहता है। इससे पहले अंतरिम सरकार में इस्लामी अभिविन्यास के कार्यवाहक मंत्री शेख मोहम्मद खालिद हनफी ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हामिद करजई और फजल हादी मुस्लिम की तीखी आलोचना की। उत्तरी प्रांत बल्क में एक भाषण के दौरान उन्होंने उपरोक्त अफगान राजनेताओं को प्रमुख अपराधी कहा, जिन्हें तालिबान ने एक सामान्य माफी के हिस्से के रूप में जारी किया था। चूंकि वे सबसे बड़े अपराधी नहीं हैं, उन्होंने दर्शकों से पूछा, अमीरात आज उनकी रक्षा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। पूर्व अफगान प्रशासन के अधिकारियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने उनके बीच विशाल भाग्य की उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने ये भाग्य कैसे कमाया, उसने सोचा, यह कहते हुए कि तालिबान उनसे पूछेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि काबुल के पतन के बाद तालिबान अधिकारियों ने पहली बार अब्दुल्ला और करजई के खिलाफ आरोप लगाए। तालिबान ने एक सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की है। तालिबान आंदोलन रूसी संघ में प्रतिबंधित ने अपने नेता हैबतुल्ला अखुंजादा के आदेश से एक सैन्य न्यायाधिकरण बनाया। यह घोषणा की गई थी कि प्रतिनिधि द्वारा आंदोलन एनमुला समंगनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल की स्थापना शरिया और सामाजिक सुधारों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह माना जाता है कि सैन्य अदालत रक्षा मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय और खुफिया मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शरिया फैसलों के प्रकाश में मामलों पर विचार करेगी। तालिबान के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि मौलवी ओमबैदुल्ला निजामी को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्मरण करो कि पिछले महीने तालिबान ने सर्वोच्च न्यायालय के गठन की घोषणा की और अब्दुल हकीम हक्कानी को सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया।